तुर्क वो हैं जो मंगोलों और महसूल से भागते हैं, इसलिए वो अपना सामान आपको फरोख्त कर रहे हैं। यानी वो आपकी वजह से उठ खड़े हो सकते हैं। आप नए आने वाले कबाइल की उनके जानवरों और लाव लश्कर के साथ मदद कर रहे हैं। तुर्क लोग 3 मकामात पर अपना सामान बेचते हैं, बोरसा, इनागोल और कुस्तुंतनिया। इन 3 मकामात को बंद कर दिया जाएगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ ना सिर्फ उनके ताजिरों का शिकार करोगे बल्कि उनके जानवरों का भी शिकार करोगे। तुर्कों का नामो निशान भी नहीं रहना चाहिए जो एक एक करके आपके बाजारों में आते हैं। और अगर आप भूल गए कि उनको तुर्क होने की वजह से मौत की खाट उतारना चाहिए, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप सब कलाकार हैं। हमें इल्म है कि इसका नतीजा क्या होगा। एक जंग होगी, और सिर्फ जंग ही नहीं, खून, आंसू और मालो असबाब। हजरात, जो माल आपको इस जंग के नतीजे में हासिल होगा वो सब का सब आपका होगा और उस पर कोई महसूल लागू नहीं होगा। आप 3 अतराफ से उन पर हमला आवर होंगे कि उन्हें सांस लेने का भी मौका ना मिले। लेकिन अगर उन्होंने हमला कर दिया तो क्या? बस आप सब अपने कलों के दरवाजे बंद कर देना और बाकी सब मेरा काम है। मैं आप सबके साथ इतना बड़ा लश्कर खड़ा करूंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ना सिर्फ सल्तनत का लश्कर होगा बल्कि इस लश्कर में रोमियो के साथ साथ मंगोल भी हमारा साथ देंगे। किसी को कोई एतराज तो नहीं? बहुत खूब, तो फिर मौत तक जंग, मौत तक जंग, मौत तक जंग। बहुत खूब, हम आखिर एक नुक्ते पर पहुंच गए। मुझे आखिरी सांस तक जंग पसंद है। हजरात, आज रात आप सब मेरे मेहमान हैं, और याद रखें, जब तक तुर्कों के सरों से पुरोया हार नहीं लाते थे मुझे, तब तक आप मेरे लिए कलेदार नहीं। रोम के नाम,